गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग ऑडिटिंग अंकेक्षण। और अंकेक्षण में आज हम आपको जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ाने वाले हैं इंटरिम ऑडिट, मतलब होता है आंतरिक अंकेक्षण। संस्था के अंदर जो अंकेक्षण होता है जिसको अपन ऑडिटिंग कराते हैं उसे हम आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि आंतरिक अंकेक्षण किसे कहते हैं, किन के द्वारा ये कराया जाता है और इससे लाभ क्या क्या होते हैं। तो आंतरिक अंकेक्षण क्या है, आंतरिक अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो कि संस्था में बहुत सारे ऐसे ईमानदार और पुराने कर्मचारी होते हैं जिनके द्वारा अंकेक्षण कराया जाता है। वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं, संस्थाएं होती हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनके लिए आंतरिक अंकेक्षण बहुत जरूरी माना जाता है। बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उनमें जो व्यक्ति होते हैं, जो पुराने वरिष्ठ जो कर्मचारी होते हैं, ईमानदार पुराने वफादार कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा ये अंकेक्षण कराया जाता है। उनके द्वारा जब ये अंकेक्षण कराया जाता है तो वह जो कर्मचारी होते हैं, जो संस्था के जो कर्मचारी होते हैं, वह अंकेक्षण की रिपोर्ट नहीं देते। रिपोर्ट के बदले में वह प्रबंध और उनके जो संस्था का मालिक होता है और प्रबंध होता है उनको अपना सुझाव देते हैं, रिपोर्ट नहीं देते हैं। इस अंकेक्षण से क्या होता है, जब हमारा एनुअल ऑडिट होता है और भी अंकेक्षण जब खातों के अंकेक्षण होते हैं तो जो हमारा ऑडिटर होते हैं इनके लिए बहुत सारे मतलब सहायता प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात है, आंतरिक अंकेक्षण से आता है उस अंकेक्षण से है वर्तमान में बड़ी बड़ी संस्थाओं में आंतरिक अंकेक्षण की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो जो संस्था के पुराने कर्मचारी या ईमानदार वफादार कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा आंतरिक अंकेक्षण कराया जाता है और जो वो कर्मचारी एम्प्लॉय जो आंतरिक अंकेक्षण करते हैं वो अपनी रिपोर्ट ना दे करके कर्मचारी मतलब मैनेजमेंट को और संस्था का जो मालिक होता है उनको अपना सुझाव देता है कि ये मतलब कोई भी अगर काम गलत हुआ, जैसे एम्प्लॉयर द्वारा कोई काम गलत किया जा रहा है या किसी और के द्वारा कोई भी काम गलत किया जा रहा है, तो वो संस्था का जो मालिक होता है या जो संस्था का मतलब जो आंतरिक अंकेक्षण करता है जो कर्मचारी होता है वो संस्था के मालिक को मैनेजमेंट को अपने बहुमूल्य सुझाव देता है, परिवर्तन के लिए सुझाव देता है कि ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये है हमारा आंतरिक अंकेक्षण। अब हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक अंकेक्षण के लाभ, मतलब इससे लाभ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपना पहला है समुचित हिराज की व्यवस्था। समुचित हिराज की व्यवस्था मतलब जो हमारी कंपनी में एक डिप्रेशन की कंडीशन आती है उसकी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना, मतलब जो हमारे जो संस्था के कर्मचारी होते हैं पुराने कर्मचारी ईमानदार कर्मचारी, तो वो संस्था की जो हिराज की कंडीशन होती है मतलब कमी आ जाती है उसकी व्यवस्था में सहायता। प्रयुक्त लेखा प्रणाली की जांच। प्रयुक्त लेखा प्रणाली की जांच मतलब हमारे संस्था में बहुत सारी ऐसी लेखा प्रणालियाँ होती है जिनकी अपन को जांच की आवश्यकता होती है। तो जो प्रयोग में आने वाली लेखा प्रणाली होती है जो हमारे काम में आती है उनकी एक उचित तरीके से जांच की जाती है। तो प्रयुक्त लेखा प्रणाली की जाँच भी किससे हो जाती है, आंतरिक अंकेक्षण से। जब हमारे यहाँ का कर्मचारी हमारे कर्मचारी संस्था की आंतरिक ऑडिटिंग करता है जांच हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लेखा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन। लेखा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन मतलब जब हमारी संस्था का कोई भी वरिष्ठ कर्मचारी होता है वो कर्मचारी जब आंतरिक अंकेक्षण करता है तो हमारे जो लेखा होते हैं, जो लेखे होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं जो हम तैयार कराते हैं, है ना, अगर उनमें कोई आवश्यक परिवर्तन की जरूरत है, आवश्यक परिवर्तन करने की जरूरत है, तो संस्था का जो मतलब कर्मचारी होता है जो अंकेक्षण करता है वो क्या, हम अभी हमने आपको बताया कि वो ओनर को मैनेजमेंट अपने बहुमूल्य सुझाव देता है, तो उसमें आवश्यक जितने भी परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो वो चेंज आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें लेखा पुस्तकों की शुद्धता का ज्ञान। लेखा पुस्तकों की शुद्धता का ज्ञान मतलब लेखा जो पुस्तकें हैं, जो अकाउंट्स हैं, जो अपन खाते बनाते हैं, खाते तैयार करने 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 के साथ साथ कुछ कुछ उसमें गलतियाँ आ जाती हैं, त्रुटियाँ आ जाती हैं, गलतियाँ आ जाती हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि संस्था का जो मतलब संस्था के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनकी शुद्धता का ज्ञान हो जाता है कि ये शुद्ध है, सही है या गलत है, या कोई ट्रांजेक्शन हमारा छूट तो नहीं गया, या कोई आए गए लेन देन लाभानि छूट तो नहीं गया, तो जो हमारे लेखे पुस्तक हैं उनकी शुद्धता का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रयुक्त कार्यविधि की जाँच। प्रयुक्त कार्यविधि मतलब जो प्रयोग में आने वाली हमारी कार्यविधि है, किस तरीके से हमारा काम
जारी होते हैं।